नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। आपको बता दें, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम जानकारी करते हैं किसान भाइयों से किस तरीके से वो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के गाँव बिडूकी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है होडल, जिला पलवल। आइए आपको गांव से जुड़ी दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा के पलवल जिले का सबसे बड़ा गांव भिडूकी, जो ब्लॉक होडल में स्थित है। ये गांव सिद्ध बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की लगभग 18,000 आबादी है, जिसमें 18 बिरादरी के लोग रहते हैं। साथ ही इस गांव में 52 चौपाले भी हैं। बता दें कि गांव भिडूकी के श्री सिद्ध बाबा खेल परिसर में ओपन जिम और चिल्ड्रंस पार्क है, साथ ही यहां वीर अभिनंदन पुस्तकालय भी है। इस गांव की मुख्य फसल है गेहूं और धान। गांव के सत्यदेव तवर ने नेशनल लेवल पर 1500 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है और अब वो एशियाड ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है गांव बिडूकी में। आपको बता दें, ये जिला पलवल में पड़ता है। कार्यक्रम की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कुछ टर्म्स के आधार पे प्रधानमंत्री साहब ने एक योजना चलाई है कि जो भी हमारी फसल है, अगर वो किसी पर्टिकुलर आपदा के बाद में अगर वो खराब हो जाती है, तो उसके बाद में किसान को उसके लिए कुछ कंपनसेशन मिलता है, कुछ सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है। क्या हमारे किसान भाई इसका लाभ ले रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक तो लाभ मिलता है, लेकिन अगर मैं एकदम धरातल की बात करूँ तो ये लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता है, क्योंकि और बीमा कंपनियों की तरह इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस डाली गई हैं। स्थानीय मुद्दों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है, तो इस वजह से पूरी तरह किसान इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। देखिए, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी, आप बताएं, आपने फसल का बीमा कराया है? ना जी, मैंने तो नहीं कराया फसल का बीमा, पर मतलब फसल का बीमा ये है कि फसल यदि नष्ट हो जाती है तो उसमें कुछ मतलब गवर्नमेंट उनको देती है। क्यों आपने बीमा क्यों नहीं कराया? तो बीमा बस कराया ही नहीं सर, मेरे पास थोड़ी खेती है तो इसलिए मैंने नहीं कराया। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनके पास छोटी जोत के किसान है, जिस वजह से उन्होंने फसल का बीमा नहीं कराया। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपने अपनी फसल का बीमा कराया है? मैंने भी बीमा नहीं कराया जी। उसमें क्या है, कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं। उसमें कंडीशन ऐसी आ जाती है, कई बार लोग कराना चाहते हैं, बैंक में जाते हैं, वहाँ भी लोगों को दिक्कत आ जाती है उसमें, क्योंकि जाते हैं वहाँ भी जो मैनेजर हैं वो भी कई तरह की कंडीशन रख देते हैं। यदि बंदा लोन लेने वाला है किसान, तो उसको तो अपने ऑटोमेटिक कर देते हैं वो लोग, और यदि लोन नहीं ले रहा है तो उसमें से फिर पैसा देना पड़ता है। आपने केसीसी कराया है? मैं केसीसी भी नहीं कराया जी। तभी आप कह रहे हैं कि आपको अगर लोन नहीं लिया तो इस वजह से आपको बीमा नहीं मिला है जी। तो आपने कोई प्रयास किया इसके लिए? नहीं जी, मैंने प्रयास नहीं किया, मेरे पास भी थोड़ी सी खेती है, उसके लिए फिर बीमा इसलिए नहीं कराया। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि एक तो थोड़ा बैंक का कह रहे हैं कि अगर केसीसी कराया होगा तभी वो लोन उनको बीमा मिल पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो भी छोटी जोत के किसान है, जिस वजह से उन्होंने भी बीमा नहीं कराया। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं कराया जी। क्यों नहीं कराया आपने? मेरे पास जो है जमीन थोड़ी है, और बीमा के लिए जो ऐसा है कि केसीसी जिन लोगों ने ले रखा है किसान भाइयों ने, उनके उसमें से पैसा कट जाता है और उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। मेन तो चीज़ ये देखने को मिली है कि बैंक में से जो है पैसा काट लिया जाता है बीमा का, और हमारी फसल नष्ट होती है, उसका बीमा उनको लोगों को नहीं मिल पाता किसानों, इसलिए हम इससे अलग हो गए। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि एक तो उनकी छोटी जोत है, दूसरी चीज़ कहना है कि केसीसी जो बनाया है
उसकी वजह से किसानों को उन्होंने देखा है कि बीमा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हमने केसीसी करा रखा है और जब हमारी फसल में नुकसान हो जाता है तो हम वहाँ पर जाते हैं तो बैंक वाले बोल देते हैं कि भाई आप एग्रीकल्चर ऑफिस में जाओ, और वहाँ पे जाते हैं तो वो इस चीज़ की कोई सुनाई नहीं करता। आपकी कौन सी फसल क्षतिग्रस्त हुई थी? मेरी रबी भी हुई है और ये भी हुई है, धान की और फसल की, दोनों फसलों में नुकसान भारी हुआ है। किस तरीके से आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई? बिल्कुल नष्ट हो गई थी, गिर गई थी बारिश और या तूफान आया था जो इससे बिल्कुल नष्ट हो गई थी। क्या पूरे गाँव की हुई थी या सिर्फ आपकी फसल नष्ट हुई थी? नहीं, पूरे गाँव की हुई थी। तब भी आपको उसका मुआवजा नहीं मिला? नहीं, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। आपने कृषि अधिकारी से बात करी इसके बारे में? कृषि अधिकारी से भी बात करी है और बैंक मैनेजर से भी बात करी है तो इस पर कोई सुनाई नहीं होती। वो बोलते थे वहाँ जाओ, वो जाओ। क्षतिग्रस्त होने के बाद कितने समय में आपने उनको सूचित किया? हमने 24 घंटे से पहले पहले किया था, हमने दूसरे दिन नेक्स्ट वाले दिन ही उसके पास सुबह ही चले गए थे। तो कृषि अधिकारी ने आपका कोई हल नहीं निकाला? कोई हल नहीं निकाला। तो आप ये चाहते हैं कि आपका इसका कोई हल निकाला जाए? हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि इसका हल निकाला जाए। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनकी जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी आंधी और बारिश से। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उनका फसल का बीमा हुआ। बीमा होने के बाद जब उनकी फसल जब क्षतिग्रस्त हुई तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कृषि अधिकारी को सूचित किया, परंतु उनका अब तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो उनकी गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनका जो बीमा जो उन्होंने कराया था फसल जो क्षतिग्रस्त हुई है उस पर उनको मिले। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना के बारे में। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिडूकी की चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हाँ जी, हमने करवाया फसल बीमा योजना और हमें पैसा मिले और हमें बढ़िया टाइम से ठीक ठाक मिल गई। तो कहने का मतलब योजना लाभकारी है? हाँ लाभकारी है जी, हमें तो फायदा मिलेगा जी। आपको इसका लाभ मिला है? हाँ लाभ मिले। कौन सी फसल में आपने इससे लाभ लिया है? ये जी हमें धान की फसल में लाभ मिले जी पिछले साल को जी। जो अभी इस वक्त किसान भाई टीवी पे कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, सरकार ने फायदा करे हमारो और किसान भाई ने जो कहूँ जी आते जुड़ें और ज़्यादा ज़्यादा फायदा लें। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने धान की फसल में इस योजना से लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि हमारे किसान भाइयों को एक संदेश दिया है कि वो भी इस योजना से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जो ये फसल बीमा है योजना बड़ी अच्छी है, पर इसमें थोड़ी जागरूकता की कमी है, कुछ किसानों को पता नहीं है, एक प्रॉपर तरीका नहीं पता है इन्हें किस तरह से इसका लाभ मिलेगा। अभी हमारे गांव में एक ग्रामीण विकास एवं जनचेतना मंच है, उसने पिछले साल ये शुरुआत की थी, हमें भी कुछ टाइमली नहीं पता था कि इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, और एक प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं और एक दुर्घटना होती है, तो हमने वहाँ पे जाके पता किया था इसके बारे में। तो जो दुर्घटनाएं होती हैं कि हमारे गांव में अभी 20 एकड़ ज़मीन थी वो उसमें आग लगी थी और उन्होंने वो प्राकृतिक उसमें आपदा में नहीं ली, तो सरकार से मेरा एक सुझाव है ये ऐसी जो आपदाएं होती हैं ये दुर्घटनाएं हैं ये भी प्राकृतिक आपदा के तौर पर ली जाएँ जो किसानों को लाभ मिल सके।
और अगली जो फसल होगी उसके बारे में हमारा जो जन चेतना मंच है वो एक मुहिम शुरू करेगा, डोर टू हर किसान को बताएगा आप किस तरह इसका लाभ ले सकते हो। और समय से पहले एक डेट फिक्स होती है कि उससे पहले इसका बीमा कराना होता है, तो जैसे ही वो बीमा कराएंगे उसका लाभ दिलाने के लिए किस तरह से मिलेगा वो भी हम लोगों को डोर टू डोर जाके बताएंगे इसके बारे में। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने और किस तरीके से ये किसानों के लिए और आगे काम कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। देखो जी, सरकार जो भी स्कीम लाभ है किसान के लिए अच्छी लाभ है, पर कई चीज़ ऐसी होती है किसान, छोटे जो किसान है, जो किसान सुबह से शाम तक खेत में काम कर रहे हो, उसके बाद वो फिर अधिकारी इनके बैंक के इधर उधर चक्कर काटने की बजाय उन्हें ऐसी सहूलियत दी, या जिला से तरफ है या गांव से तरफ है, कोई ऐसी सहूलियत दी जाए जो जिम्मेदार अपनों उस फसल को बढ़िया तरह बीमा को कार्रवाई कर सके। वो दूर जाने के कारण, पैसा कम होने के कारण कई बार बोल देती पलवल जाओ, फरीदाबाद जाओ, तो उसका लाभ नहीं ले पाता है किसान। आपको अगर गांव के नज़दीक में अगर आपका कोई कृषि मित्र केंद्र खुल जाएगा तो आप उससे लाभ ले पाएंगे, ये कहें? यस सर। देखिए हमारे किसान भाई का कहना है कि अगर कोई यहाँ पे कोई कृषि मित्र केंद्र अगर खुल जाए या कोई ऐसा संस्थान खुल जाए गांव के अंदर कि जो योजनाएं हैं वो किसानों को गांव के अंदर ही मिल जाए, उनको गांव से बाहर जाना ना पड़े, जिसकी वजह से जो गांव से बाहर जाते हैं तो उनको थोड़ी सी कठिनाइयां आती है। कहने का मतलब, कह रहे थे कि पैसे नहीं है किसी के पास तो कैसे इतनी दूर जाएगा, तो उनकी एक गुजारिश है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपने अपनी फसल का बीमा कराया है? कराया है। कौन सी फसल का बीमा कराया है? ये केसीसी कार्ड की वजह से, और आज जबरदस्ती हो रहा, मतलब वैसे नहीं करा रहे इसको। आपका मन नहीं है? नहीं जी, वो किसान क्रेडिट कार्ड से हो रहा है। लाभ नहीं मिल पाता इसका। कभी आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है? होती है जी थोड़ी बहुत। तो किस वजह से आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई? बारिश वगैरह हो जाती है जी, लेट जाते हैं धान, तूफान आ जाता है, तो उसमें उस वजह से। तो आपने कृषि अधिकारी को कभी इसकी सूचना दी? नहीं, अभी तो नहीं दी, कोई जरूरत ना पड़ी ऐसी। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि अभी उनकी जो फसल क्षतिग्रस्त हुई थी उन्होंने अभी कृषि अधिकारी को कोई सूचना नहीं दी, तो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ी है उनको। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते। जी आप बताएं। ऐसा है जी, किसान के जो बीमा की योजना है ये अप्लाई काफ़ी दिन पहले लॉन्च की है सरकार ने। इसका पहला कारण तो ये है कि हमें आधे किसानों को ये नहीं पता किसान बीमा है क्या, फसल बीमा है क्या। तो इसके लिए कम से कम गांव लेवल पर, गांव स्तर पर या तहसील स्तर पर कोई ऐसी योजना लानी चाहिए सरकार को, एक जागरूकता शिविर के रूप में जो हमें। और ऐसी एक बीमा योजना ही नहीं है, कितनी सारी ऐसी सरकार की स्कीमें हैं जो लॉन्च हुई हैं और हम लोगों को उनका पता नहीं है, जिनका हम लाभ ले सकते हैं। क्या कृषि अधिकारी आते हैं आपके गाँव में? हाँ आते हैं कभी जभी। क्या वो जानकारी देते हैं आपको? हाँ जानकारी भी देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक जागरूकता, मतलब यदि आएंगे भी ना तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई बहाना लेना पड़ता है। कारण ये है कि जो हमारी स्कीमें लागू होती हैं, जो सरकार लॉन्च करती है, वो जमीन स्तर पर लागू नहीं हो पाती, इसलिए लोगों की थिंकिंग नेगेटिव हो गई है। हमारे प्रशासन का जो हमला है उसके बारे में हमारे लोगों की थिंकिंग नेगेटिव हो गई है, तो वो प्रॉपर पहुँचा नहीं पाते। क्या अगर हमारे किसान भाई भी अगर कोशिश करेंगे और अगर वो कृषि विज्ञान केंद्र जाएं या कृषि अधिकारी के पास जाएं, तो क्या हमारे किसान भाई उससे जानकारी नहीं ले पाएंगे? हाँ बिल्कुल जानकारी ले तो पाएंगे। हमें भी थोड़ा सा कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि लाभ कहीं ना कहीं हमें मिलना है। बिल्कुल मिलना तो जब है। हमें अपना लाभ मिलना है तो क्यों ना हम ही एक कदम आगे बढ़ाएं? नहीं, हम कदम बढ़ाते हैं, लेकिन वही जो हमारे भाई ने बताया, एक और किसान भाई ने बताया था कि हम जाएंगे एक अधिकारी के पास, एक कर्मचारी के पास, वो बहाने लगा के वो अपने सुपीरियर का नाम ले देगा, उनके पास जाएंगे दो बार मिलेगा नहीं, थक हार के किसान के जेब में पैसा नहीं होता, उसका काम डिस्टर्ब होता है। आपके कहने का मतलब है कि आपके गांव में जागरूकता लाई जाए, ऐसा कोई गोष्ठी की जाए जिसके अंदर योजनाओं की जानकारी दी जाए। जानकारी हो, ऐसा मैंने एक बार यहाँ अपने तहसील में ये प्रार्थना भी की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं लग पाया वो जागरूकता शिविर। और मैं फिर भी इस कोशिश में हूँ, विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं सरकार की जो लॉन्च हुई पड़ी हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता है, उनके बारे में एक जागरूकता शिविर यहाँ लाया जाए जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिले। देखिए यहाँ जो गाँव के जो किसान भाई हैं उनका कहना है कि अगर गाँव के अंदर कोई जागरूकता शिविर लगाया जाए
जिसकी वजह से उनको जानकारी दें विभिन्न योजनाओं की, जो हमारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना है, अगर उनको जानकारी मिलेगी और वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है, लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूंकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता, ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जो अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रहे, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और जे है रोटावेटर। जे सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिडूकी की चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। एक बात तो मैं ये बताऊं, पहले इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ 80% पराली जलाई जाती। उसका कारण है कि किसान के पास कोई विकल्प नहीं। विकल्प के रूप में पिछले साल भी डीसी महोदय हमारे यहाँ आए थे और एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से उन्होंने डेमो भी एक यहाँ दिया था। डेमो में जो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इस्तेमाल किए उनसे वो प्रबंधन उचित नहीं हो पाया। लोगों ने दिखाया मौके पर, डीसी साहब भी थे यहाँ, तो लोग तो ये भी जानते हैं किसान के हमारे मित्र कीट भी उसमें जल जाते हैं जिससे हमें नुकसान होता है हमारी ज़मीन में, लेकिन मजबूरी है, करें क्या, उसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प जो बताए हैं उनका प्रयोग भी किया है लोगों ने, उनसे भी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाई है। कई मशीनरी चलाई हैं अभी जो सब्सिडी पर हमारे यहाँ CHC हैं उन्हें दिए हैं। आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? मैंने तो पिछले साल चलाया था, जो मैं दरअसल धान लगाए थे एक दूसरे भाई ने मेरे खेत में, मैंने उसे फ़ोन करके मना कर दिया, भैया तू हमारी खेत में पराली जलाना मत। मैंने उसके बारे में सोचा तो मुझे कोई विकल्प जब दिखाई नहीं दिया तो मैंने तो उसे कल्टीवेटर से खींच के निकाला है जिसमें आधी मिट्टी भी जाती थी, वो भी मुकम्मल समाधान नहीं है। ओवरऑल मैंने वो ना जलाने का एक तरीका निकाला था उसमें, वो भी उचित नहीं है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मैं एक छोटा किसान हूँ जी, मेरे पास एक छोटा ट्रैक्टर है और वो ट्रैक्टर भी मैंने कर्ज करके लिया है। उस ट्रैक्टर पे जो सरकार यंत्र दे रही है, हमारे ट्रैक्टर नियंत्रण में सक्सेस नहीं है जी। उसकी वजह से हमने उसको मिट्टी में घोलने की कोशिश की, उसको काट के छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके कोशिश की, तो उसके बाद हमने जब बुवाई के लिए मशीन खेत में चलाई तो जो हमारी गेहूं की फसल है उसकी बुवाई उस मशीन से नहीं हो पाई। फिर हमने उस गेहूं को वैसे ही बीज के और उसमें जोत मार के जब उसकी बुवाई की, और इसके प्रबंधन के लिए काफ़ी कोशिश की पर इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। गवर्नमेंट से हम तो अपील ही करेंगे
हम सरपंच साहब से भी कहेंगे नई भी कोशिश की ऐसा कोई रास्ता बने, हम भी इसको जलाना नहीं चाहते पर मजबूरन होकर हमको जलानी पड़ती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो उनकी फसल के जो अवशेष हैं वो उसको प्रबंध करना चाह रहे हैं परंतु उनके पास अभी कोई रास्ता नहीं, तो उनके गुजारिश है कि उसके प्रबंध के लिए उनको उचित थोड़ी तकनीकी बताई जाए जिससे वो प्रबंध कर पाए। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। गांव में अगर पराली की बात की जाए तो पराली तो कोई जलाता नहीं है, उसे चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है और जो फसल अवशेष बचते हैं वो बचता है थोड़ा बहुत गांव में, उसको लोग जलाते हैं। उसके प्रबंधन का एक दूसरा तरीका अगर बात की, हमारे एक मित्र साथी ने हमको बताया था, दो तरीका बताए थे, एक तो हम इससे जैविक खाद बना सकते हैं और एक मशरूम की खेती के लिए भूसे की आवश्यकता होती है जो परचेज करना पड़ता है, अगर हम इसे इसमें इस्तेमाल करें तो हम इससे मशरूम की खेती भी बड़े अच्छे से कर सकें और एक किसान के लिए एक अर्निंग होगी अच्छी, एक जो वेस्टेज होगी अवशेष होंगे वो भी इस्तेमाल होगा, जलाना भी नहीं पड़ेगा और हम उससे मशरूम की खेती भी उत्पादन भी कर सकते हैं। आप फसल के अवशेष से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, आप हमारे किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं संदेश देना चाहूँगा, जो मशरूम की खेती है, जो टेक्निकल खेती है, हम इस धान की फसल के ऊपर ना जाके हम टेक्निकल खेती करें और जो हमारी कई बार जो गाँव में आते हैं किसान के मार्गदर्शन के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते हैं, पिछली बार एक कैंप लगा था उसमें गांव में मुनादी भी कराई गई थी परंतु लोग अपने गाँव में इतने व्यस्त थे कि वो उस मुनादी के टाइम के बावजूद ही वहां पे नहीं मौजूद हुए, अगर वो वहां आते तो इसका लाभ उठा पाते। किसान भाइयों क्या संदेश देना चाहते हैं आप? किसान भाइयों को हम संदेश देना चाहेंगे वो उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करें, उसे जैविक खाद बनाएं, इसमें यूज कर सकते हैं उसको। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि ये जो पराली है उससे वो चारे के रूप में दे सकते हैं और कंपोस्ट भी बना सकते हैं, तो इससे वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मैं ये बताना चाहता हूं कि धानों की खेती हम करते हैं तो हमने ये करके देखा है कि हमने कुछ धान बासमती बोया था, 5 किलो वह सारा नष्ट हो गया था, गिर गया था, तो हमने वह हाथ से कटवाया था जिसके अंदर कटाई के ही मजदूरों को 7,000 रुपया पर एकड़ पर हमने खर्च उठाया था उसका। उसके बाद में हमने लोगों से उसको चारा के लिए दिया था, भाई चारों में ले जाओ, उसको खराब तो हो गया था लेकिन लोग उसको ले गए थे और हमने लोगों के घर पर जाके बताया था चारों के लिए ले जाओ लेकिन पशुओं के लिए नुकसानदायक है, इतना बढ़िया चीज नहीं है ये, दूध को पशु के को ये नुकसान पहुँचाती है। लेकिन 10-15-20 दिन के अंदर उस 5 किला में से हम निपटे थे और हम 30 किला 40 किला, हमारे गांव में इतने बड़े बड़े बिसेदार हैं, 52,000 बीघे का रकबा हमारे गांव में सारे में धान पैदा होता है, उसमें लोगों के मशीन चलती हैं और वो मशीन धान को जो काट के गिरती है वो चारा कुछ नहीं है, वो गलता भी नहीं है और जिम्मेदार छोटे छोटे भी जिम्मेदार हैं सब तरह के, उनके पास कहाँ तक इतने यंत्र खरीदे, 8-10 लाख को ट्रैक्टर आता है, 10-12 लाख की दूसरी मशीन बता रहे, इतने वजन की मशीन उनसे जिम्मेदार कामयाब नहीं है जिस यंत्रों को चला रहा है, हमारे को मजबूर होने के कारण हमारे को ये इस्तेमाल करनी पड़ी थी। आप अपनी फसल का किस तरीके से प्रबंध करते हैं? हम अपनी फसल का प्रबंध इसलिए करते हैं, हमने वो कंपाइन से जो कटवाया था उसके बाद में रीपर भी घुमाया था उसमें और जो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा था उसको हमने जोत करके और उसके बाद में जब भरना शुरू कर दिया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने फसल का प्रबंध करने की कोशिश तो की थी, कंबाइन से कटवाया तो था परंतु उनको उससे लाभ की प्राप्ति नहीं हुई थी। हमारे बीच में गांव के सरपंच मौजूद हैं। सर, जैसे कि हमने किसान भाइयों से चर्चा की पराली के बारे में, तो कुछ किसान तो प्रबंध कर रहे हैं पर कुछ प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे जो किसान भाइयों के लिए आगे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, कुछ किसान प्रबंध कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। असलियत बात यह है कि ज़्यादातर जो किसान है गांव में वो छोटे किसान हैं और अगर मैं प्रबंधन की बात करूं तो 1 किले को अगर आप पराली को जलाते नहीं और प्रबंधन करते हैं तो उसमें लगभग 6-7 हज़ार का खर्चा आता है, तो एक छोटे किसान के लिए 1 एकड़ में 6-7 हज़ार करना बड़ी नॉन प्रैक्टिकल सी बात लगती है। लेकिन जो बड़े किसान हैं, जो थोड़े कैपेबल हैं, जिनके पास मशीनरी बड़ी है, ट्रैक्टर बड़े हैं, वो कुछ इक्विपमेंट का सहारा लेते हैं, कुछ और भी तरीके लेते हैं, मतलब वो थोड़ा एक्सपेंसिव जो सॉल्यूशंस हैं उनको वो बियर ऑन कर सकते हैं, वो उन्हें झेल सकते हैं। लेकिन क्योंकि 80% किसान छोटे किसान है तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है 1 एकड़ की पराली के निस्तारण के लिए 6-7 हज़ार रुपये खर्च करना। तो आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी, सुझाव मेरा प्रशासन से, मेरा सरकार से एक सुझाव है
जैसे मैंने कहीं नेट पे देखा था कि कुछ मशीनरीज ऐसी रहती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी रहती हैं जहां पे इस पराली को लिया जा सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक सजेशन दिया था मेरी तरफ से कि हमारी पंचायत के पास काफ़ी सारी ज़मीन है, तो अगर कोई कंपनी, और मैं आपको बताऊं यहां पे सिर्फ भिड़ूकी नहीं, भिड़ूकी जैसे पलवल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गाँव है, भिड़ूकी ही नहीं इसके अड़ोस पड़ोस में जो भी 20-30-35 गाँव हैं वो सारे के सारे वहाँ पर मुख्य फसल धान की है। तो मैंने ये भी सजेशन मार्फत DC साहब दिया था कि भिड़ूकी के पास पंचायत की काफ़ी सारी ज़मीन है, तो अगर कोई कंपनी यहाँ पर आकर, क्योंकि कई जगह मैंने सुना था कि यमुनानगर में कोई प्लांट लगा हुआ है ऐसा, जहाँ पे इसके गत्ते बनते हैं, इसकी पैकेजिंग का कुछ इसमें बनता है, और भी जगह पराली को यूज़ किया जा सकता है, तो वहाँ पे क्योंकि किसान को देने में दिक्कत नहीं है, वो इस पराली को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा, लेकिन बात सिर्फ उसको मैनेज करने की है। तो अगर कोई कंपनी वगैरह यहाँ पर ऐसी लगे कि जो हमारी पराली को उठा के उसको अपने बाई प्रोडक्ट्स बना के बेचे, तो फिर मुझे लगता है कि इसका परमानेंट समाधान मिलेगा। देखिए, हमारे गांव के सरपंच जी ने बताया कि उनकी सरकार से एक सुझाव है कि कोई ऐसी कोई फैक्ट्री खुले गांव के अंदर। जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ ये जो गांव है ये पूरे जिला पलवल का बहुत बड़ा गांव है, और इस गांव के अंदर 52 चौपाल हैं, अगर उन चौपाल का ही अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, उसके अंदर एक कोई ऐसी फैक्ट्री खुल जाए जिसके अंदर गत्ता बन जाए, तो उनकी जो पराली है अगर वो गत्ते में इस्तेमाल हो जाएगी, या कोई ऐसा और कोई फैक्ट्री खुल जाए जिससे वो किसान भाइयों की जो पराली है वो इस्तेमाल हो जाए और वो उससे लाभ प्राप्त कर पाए। आज के गांव भिड़ूकी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।